फतेहाबाद तहसील क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने करीब 2 फीट ऊंचाई तक भरे पानी में चलकर घर घर पहुंचकर पोलियो ड्रॉप पिलाई। तेज बारिश के चलते गांव की गलियां जलमग्न हो गई थी। इसके बावजूद महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर बीके सोनी ने ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। मामला तहसील क्षेत्र के आशे का पुरा निबोरा गांव का है। यहां इन दिनों डोर टू डोर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। सोमवार से शुक्रवार तक चलाए जाने वाले अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को दवा पिला रहे हैं। 2 दिन से हो रही लगातार भारी बारिश के बाद ग्रामीण अंचल में सड़कों पर पानी भर गया है। गाँव की गलियाँ जलमग्न हो गयी है। हर तरफ गाँव में पानी ही पानी है। इससे लोगों को घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। ऐसी स्थिति में आशा कार्यकर्ताओं ने गांव की गलियों में घुटनों तक भरे पानी में निकलकर बच्चों को दवा पिलाई। वहीं अधीक्षक डॉक्टर बी के सोनी ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा, साथ ही इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को भी दी जाएगी ताकि अन्य कर्मियों को भी प्रेरणा मिल सके। कल आगरा में बहुत ज्यादा बारिश थी, इसके चलते पोलियो अभियान हमारा बाधित हुआ। काम करने की कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। मैंने आह्वान किया था लोगों को कि जैसे ही बारिश बंद हो तो जितना हो सके उतना काम कर लें, लेकिन कर्मचारियों ने हौसला दिखाते हुए और जिम्मेदारी से ज़्यादा काम किया, बारिश में भी काम किया और शाम तक उन्होंने 100% टारगेट अचीव किया। जबकि गाँव में पानी भरा हुआ था, बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद उसमें लगातार काम करते हुए बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। क्या ऐसे कर्मचारियों को सम्मान? बिल्कुल, हम ऐसे कर्मचारियों को जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको हम सम्मानित करेंगे एवं कोशिश करेंगे, सीएमओ साहब से भी बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पर भी इनको सम्मानित किया जाए। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।